अस्सलामुअलैकुम। ज़िना तेज़ी से क्यों फैल रही है? ज़िना करने की बुनियाद ही हम लोगों की खुद की वजह से शुरू हुई है। ज़िना की ज़िम्मेदार हम खुद हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को आज़ाद ख्याल समझते हैं। इस आज़ाद ख्याली ने हमें ज़िना के करीब किया है। सबसे पहले सोशल मीडिया, जिसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कहीं अच्छे काम हो सकते हैं। हर लड़का लड़की का आपस में दोस्ती, दोस्ती से मोहब्बत और मोहब्बत से ज़िना की दलदल, हज़ारों लड़कों का अपनी बहनों को छुपाना, लेकिन अफसोस दूसरों की DM में जाकर लड़कियों को मैसेज करके बेवकूफ़ बनाकर प्यार का इजहार करना, फिर गुनाह के रास्ते, लज्जतें, यही सोशल मीडिया ज़िना करने की सबसे बड़ी जड़ है। और बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं, इनको फ़ोन देना और इन बच्चों का सोशल मीडिया में कहीं फहाश फ़ोटो या वीडियो देखना, फिर इनसे इनका दिमाग ख़राब होना और लज्जत हासिल करना। जिस उम्र में पहले ज़माने के बच्चे डिक्शनरी और अपने दिमाग इस्तेमाल करके मेहनत करते थे, और आज कल के बच्चे कॉपी पेस्ट करके फिर वही ज़िना का रास्ता इख्तियार करते हैं। अरे, कल के बच्चों को पता भी नहीं था कि शोहर और बीवी के बीच क्या रिश्ता है, लेकिन आजकल छोटे बच्चों को भी पता है। क्यों? क्योंकि इसके ज़िम्मेदार माँ बाप हैं, जो बच्चों को फ़ोन तो देते हैं लेकिन कभी फ़ोन चेक करने की सहमत नहीं करते। इस लिबरलिज्म की वजह से ज़िना तेज़ी से फैल रही है। यही वजह है 11 साल के बच्चों को मोहब्बत हो रही है। जिस उम्र में हम किताब, कलम और रंगों से खेलते थे और दुनिया की इस मोहब्बत से बेखबर थे, और आज के बच्चे मोहब्बत में खेल रहे हैं, लेकिन असल में ये मोहब्बत है ही नहीं, ये बस लज्जत है, ज़िना है और कुछ भी नहीं। बराए मेहरबानी इससे खुद भी बचें और अपनी आने वाली नस्लों को भी बर्बाद होने से बचाएं।